प्रिज्म कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने? प्रिज्म कहाँ है? पर्स में। पर्स में था, अब नहीं। कहाँ छुपाया तुमने? प्रिज्म अगर इसके पास नहीं तो तेरे पास होगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं दिया तो 1, 2 एक मिनट, प्रिज्म तुम्हें मैं देता हूं। तुम्हारे पास कैसे? लाओ मुझे दो। पहले से प्रिज्म दे दो, मैं बताता हूं। तुम्हारी पॉकेट में प्रिज्म कैसे है समझ, जब मेरी पर्स में था। जैसा मैं समझ रही हूँ वैसा नहीं तो फिर कैसा है? दो से असली प्रिज्म। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास है क्या? तो तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा? मेरे पास कहाँ से आएगा? तुम्हारे नाटक मत कर। मैं क्यों नाटक करूंगा? नाटक ही करी, इसके पर्स में है। मेरे पर्स में कुछ कुछ नहीं है, मैं देख चुका हूँ। ये झूठ बोल रही है, जानती है कि प्रिज्म कहाँ है? क्या बकवास कर रहे हो समर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं इसके पर्स से निकाल दूं तो मैं निकाल सकता। निकालो, जरा भी चालाकी की तो अधिका चल उठा, धीरे से खोलना और आहिस्ता आहिस्ता निकालना। जब कुछ था नहीं तब आप लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अभी मैं आप लोग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही नहीं रहे। समर करना एक बहुत फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड है, पीरा को लेके फरार है, कुछ भी कर सकता, खतरनाक है। पहले से मालूम था मेरे को, इसके वास्ते मैं उसके पीछे था। और ईरा के पीछे भी आप? वो मेरे को पूछ कर नहीं भागी थी,
पेन को रख कर बात करो। अपने स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच को कांटेक्ट किया? हाँ, लेकिन उधर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। वो जो असली समर खन्ना है वो किसी सीक्रेट मिशन पर है, कोई कुछ नहीं बता रहा उसके बारे में। Then local police station को कांटेक्ट कीजिए। उसके लिए कमिश्नर साहब से बात करो पहले। अब वही ऑर्डर देंगे आपको, इनके बस का कुछ नहीं है। अबीरा को मैं ही लेके आऊंगा आजमगढ़ से। Let's go. तुम जाओगे? Yes. Sit down. Sit. Why? Why what? Why are you so interested? Not again, Denzel. Okay, I'm interested because क्योंकि मुझे इरा के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। Yeah. Great. But be careful. तुम इरा के बारे में नहीं जानते। मेरे से पूछो। प्रॉब्लम का दूसरा नाम है वो लड़की। जब से शहर में आई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो रिलैक्स मिस्टर शिंदे, वी हैव नो पर्सनल इश्यूज विद यू। आयरा ब्रिटिश सिटीजन है, हर सेफ्टी इज आवर प्राइम कंसर्न, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, यही मेरी ड्यूटी है और मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। आजमगढ़ में किधर, क्या जगह बताया उसने? वो आजमगढ़ के आगे थोड़ा थोड़ा दूर एक होटल है, होटल कोहिनूर, वहां ठहरे वो लोग, लेकिन किसको पता नहीं कब तक रहेंगे वहां। मैं उधर का पुलिस को बोलता है, वो प्रोटेक्शन देगा उसको, ईरा को, उससे कांटेक्ट होने पर इन्फॉर्म करेगा आप। थैंक यू मिस्टर शर्मा। आप क्या वाकई लोगों की मदद करेंगे? उस लड़की ने बहुत जलील किया है मेरे को, अब इनका हेल्प से मैं उससे निपटेगा, देखना तो। प्रिज्म का बात मिलेगा ना? मैं डुप्लीकेट नहीं, असली प्रिज्म की बात कर रही। मैं कोई हीरो नहीं हूं जो अपनी जेब में दो दो प्रिज्म लेके घूम, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल, एक ही था और वो ले गया। मुझे वहां भी चीट किया तुमने? और मैं क्या करता, मैंने सोचा तुम्हें कुछ इनडायरेक्टली कहूंगा तो तुम उसका जवाब जरूर ढूंढोगे। यू सो इंटेलिजेंट एंड स्टूपिड एज़ वेल, तुम वहां भी चुपचाप नहीं बैठी। सो राइट, उस बेचारे को भी कंफ्यूज कर। स्टूपिड मैं नहीं तुम हो, लेकिन असली प्रिज्म वो। जान बच गई ना, शुक्र मना। हां बट समर, तुमने मेरे पर्स से प्रिज्म कब निकाला? के लिए तुम कितनी घटिया हरकत कर सकते? मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आचार्य, प्रिज्म तो मेरे पास है। शाबाश। और वो दोनों लोगों के डर से आज मैं फिर चूक गया आचार्य। वो तुम्हें फिर मिलेंगे, और कहां तुम जानते हो, सदियों से चला आ रहा है हमारा संघर्ष, अब पूरा होने को आया है काली। क्या मैं अपनी मंजिल के करीब हूं आचार्य? बस तुम्हारे आखिरी कदम उठाने की देर है काली। कोहिनूर का सदियों पुराना राज फुलशोंग मॉनेस्ट्री की गुफाओं में ही है, वही है हमारा असली लक्ष्य। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारे लिए ये हमारा आखिरी आदेश होना चाहिए। मैं इस बार हरगिज नहीं चूकूंगा आचार्य। मैं कोहिनूर हासिल करूंगा।
उसने हमारे आश्रम में प्रवेश किया है। गुरुजी, ये शक्ति अच्छी है या बुरी? शक्ति तो हर रूप में पूजनीय होती है, कोई शक्ति बुरी नहीं होती, क्योंकि हर शक्ति अपने आप में संपूर्ण है। हाँ, उसका इस्तेमाल करने वाली गलत भावनाएं और विचार उसे बुरा बनाते हैं, दानवीय बना सकते हैं। और सामान? तुम्हारा सूटकेस लेके जाएंगे तो पहुंच चुके। कहा था ऐसा बैग ले लो। अब जो इम्पोर्टेंट सामान है मेरे बैग में डालो। अरे, पर मुझे सूटकेस चाहिए, मेरे काम का सामान है। उठाओ। Come fast, जल्दी आओ। Help नहीं कर सकते हो मेरी? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। चले। पहले पुलिस, अब तुम, ये चक्कर क्या है? अच्छा ये बताओ, तुम उन दोनों को कैसे जानती हो? मैं ईरा को जानता हूँ, दोस्त है वो मेरी, और जो आदमी उनके साथ था वो एक फ्रॉड आदमी है, धोखा दे रहा है वो सड़के। हमें तो लगा कि वो दोनों। ईरा को भी कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने आपके सामने कोई बातचीत की जिससे कि अंदाजा हो जाए कि वो कहाँ गए या क्या करना चाहते हैं? कुछ पूछा उन्होंने आपसे? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। अरे हाँ, मुझसे फुलशाओ मॉनेस्ट्री के बारे में पूछा था उस लड़के ने। फुलशाओ मॉनेस्ट्री? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे कुछ गुफाएं हैं, उसी के अंदर वो मॉनेस्ट्री है। थैंक यू वेरी मच। वो ईरा को वहां क्यों लेके गया? नमस्ते। जी, हम लामा गुरु से मिलना चाहते हैं। जी क्षमा कीजिए, हमारे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, क्या गुरुजी को आपके आने की सूचना है? जी नहीं, पर हम उन्हें किसी खास मकसद से मिलना चाहते हैं, जो हम सिर्फ गुरुजी को ही बता सकते हैं। अब उनसे जाके कहिए कि ईरावती उनसे मिलने आई। जी, आप यही प्रतीक्षा करें। गुरुजी, बाहर दो अजनबी आए हुए हैं, एक स्त्री एक पुरुष, आपसे मिलना चाहते हैं। आश्रम के नियमों को नहीं जानते बंधु? जी अवश्य, परंतु वो किसी आवश्यक कार्य हेतु गुरुजी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे अनुग्रह किया कि मैं गुरुजी को बताऊं कि स्त्री का नाम ईरावती है। ठीक है, आओ निकेतन। उनका